दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के कुछ बेहतरीन अभिनेताओं की कुछ ऐसी फिल्में और ऐसे किरदारों के बारे में जिन पर उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि उन किरदारों को सिर्फ किया ही नहीं है, जिया है, और वो किरदार हर इंसान के दिल में छाप छोड़ चुके हैं। तो ऐसी कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं मूवीज़ के बारे में। तो बस ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मनोज वाजपेयी की। सन 2000 के बाद की कुछ ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो मनोज वाजपेयी की आपका दिल जीत लेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर की। आप सभी को बता दें गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ऐसी मूवी है जो द गार्डियन से एक बहुत ही बड़ी मैगजीन होती है अमेरिका में जो लॉन्च की जाती है, और उसमें टॉप 100 मूवीज़ में सिर्फ भारत की एक मूवी शामिल की गई है, वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो आप समझ सकते हैं कितनी कमाल की मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर। अब आपको बता दें इस मूवी के अंदर जो सरदार खान का किरदार निभाया है मनोज वाजपेयी ने, वो बहुत ही लाजवाब है। इतना कमाल किरदार मतलब कोई क्या ही करे, उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। उसके बाद आती है उनकी दूसरी मूवी अलीगढ़। अलीगढ़ 2015 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी के अंदर उनका काम बहुत ही गजब का है। आपको बता दें इस मूवी के अंदर उन्होंने एक मराठी प्रोफेसर का किरदार निभाया है जिसका नाम होता है प्रोफेसर सिराज, और जो कि एक गे होते हैं। लेकिन उनकी लाइफ के स्ट्रगल, प्रॉब्लम, सो सॉल्यूशन सब कुछ आप जब देखेंगे तो आपका दिल भर आएगा। सच में ये फिल्म भी बहुत ही लाजवाब थी। और अभी हाल ही में इनकी एक फिल्म रिलीज़ हुई है भोसले, 2018 में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म, और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है। तो जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी डेप्थ है उनके काम में। हाल में ये फिल्म देखने के बाद मतलब मज़ा आ गया। तो इनके तीनों किरदार सच में कमाल किए, और ये सब वो किरदार हैं जो सन 2000 के बाद के हैं। इसके पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं इन किरदारों की। तो अगर हो सके तो इन फिल्मों को जरूर देखिए और लुत्फ़ उठाइए। अब नंबर दो पर हम बात करते हैं पंकज त्रिपाठी। ये पंकज त्रिपाठी एक बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, लेकिन इनकी हाल ही में कुछ फिल्में ऐसी आई जिनके किरदारों ने हमारा दिल जीत लिया। आपको सबसे पहले बात करते हैं मसान की। मसान के अंदर इनका एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन उस छोटे से कैरेक्टर में भी उन्होंने इतनी खूबसूरती डाली है कि क्या ही बताऊँ। उनके कुछ कुछ डायलॉग तो सच में दिल को जीत लेते हैं, और मेरा फेवरेट है ये डायलॉग। हमारे पिताजी कहते हैं कि जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। इसके बाद हम बात करते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर की। गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान कुरैशी का किरदार जो उन्होंने निभाया है, तो बस भाई साहब सबका दिल जीत लिया, सबका दिमाग बूम हो गया और सब पूछने लगे कि कौन है ये आदमी जिसने इतना कमाल का काम किया है। आपको बता दें गैंग्स ऑफ वासेपुर के किरदार के बाद ही उन्हें असली पहचान मिली थी बॉलीवुड में। और नंबर तीन पर आती है मूवी न्यूटन। न्यूटन एक बहुत ही कम की मूवी है। इस मूवी को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, और इस मूवी के अंदर जो एक आर्मी ऑफिसर यानी एक बीएसएफ के जवान का जो किरदार निभाया गया है हमारे पंकज त्रिपाठी जी के द्वारा, वो सच में बेहद ही लाजवाब है। जब आप देखेंगे तो आप सच में उनके फ़ैन हो जाएंगे। तीन पर आती है बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक बहुत ही उम्दा कलाकार है, ये बात मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं उनकी कुछ तीन ऐसी परफॉर्मेंस मुझे जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और मेरे ख्याल से उनसे बेहतर इन तीन परफॉर्मेंस को ना कोई कर सकता था और ना ही किया है। ये उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं रमन राघव 2.0 की। रमन राघव 2.0 एक बहुत ही कमाल की मूवी है जिसके अंदर विक्की कौशल और बहुत से दूसरे कलाकारों का काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक साइको किलर की भूमिका जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाई है सच में यार बहुत ही लाजवाब है। नंबर दो पर बात करते हैं उनकी परफॉर्मेंस गैंग्स ऑफ वासेपुर की। गैंग्स ऑफ वासेपुर में फर्स्ट में जो मनोज वाजपेयी का काम वो बहुत लाजवाब था, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर फर्स्ट की एंडिंग में मनोज वाजपेयी की मौत हो जाती है मूवी के अंदर, यानी सरदार खान की। फिर आते हैं उनके बेटा फैजल खान यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और फिर जो उन्होंने काम किया है तो यार मज़ा आ गया। मतलब पहली और दूसरी मूवी आपका दिल जीत लेगी, दोनों मूवी बहुत ही लाजवाब है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो फिर बात ही क्या की जाए। और बात की जाए नंबर तीन पर वो परफॉर्मेंस आती है जो मेरे ख्याल से आज तक की बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, वो है मंटो। सादत हसन मंटो का किरदार जिस शिद्दत से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है, मेरे ख्याल से उनके अलावा शायद ही कोई निभा पाता। सच में उन्होंने मंटो किरदार में जान फूंक दी है, और मेरे ख्याल से इस कैरेक्टर के लिए वो नेशनल अवार्ड डिजर्व करते थे। खैर हमारे देश की राजनीति कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो उन्होंने कोई भी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन फिर भी सच में यार ये मूवी जरूर देखना। नंबर चार पर बारी आती है रणदीप हुड्डा की। रणदीप हुड्डा वो एक्टर रहे हैं जो बॉलीवुड में हमेशा से अंडररेटेड रहे हैं। उनकी बेहतरीन से बेहतरीन मूवी को कम से कम प्यार में लिया गया है, यानी हम सबसे पहले बात करते हैं हाईवे की। हाईवे उनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इनमें से एक है, लेकिन फिर भी इस मूवी को ज़्यादा तुल नहीं मिली। और फिर आती है सरबजीत। सरबजीत जिसके अंदर उन्होंने अपने सब कुछ दाव पर लगा दिया उस कैरेक्टर को करने में, जीने में, लेकिन फिर भी उससे ना कोई अवार्ड मिला और ना ही उसकी कभी खास तारीफ हुई। थोड़ी बहुत जो तारीफ हुई वो हुई, लेकिन जो वो डिज़र्व करती थी वो उसे कभी नहीं मिला।
नंबर पाँच पर बारी आती है इरफान खान की। वैसे तो इरफान खान की हर परफॉर्मेंस लाजवाब होती है, लेकिन उनकी कुछ खास तीन परफॉर्मेंस जो मुझे भी दिल से पसंद है उनकी हम आज बात करने वाले हैं। और सबसे फेवरेट जो मेरी तीन है वो है इस तरह। सबसे पहले पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर के अंदर उन्होंने जो पान सिंह बागी का किरदार निभाया है वो सच में यार दिमाग ख़राब कर देता है। मतलब इतनी मेहनत, इतना कमाल का काम कोई कैसे कर सकता है। फिर नंबर टू पर आती है द लंच बॉक्स। द लंच बॉक्स के अंदर जो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से एक अकेले आदमी की व्यथा दिखाई है। एक ऐसा आदमी जो गवर्नमेंट जॉब करता है लेकिन उसकी लोनलीनेस को कोई नहीं देख पाता, ये उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखाया है। और उसके बाद नंबर तीन पर आती है नेमसेक। नेमसेक इसके अंदर उनके किरदार की कभी खास तारीफ नहीं हुई, लेकिन अगर आप उनके किरदार के डेवलपमेंट और उनकी बारीकी को देखेंगे तो सच में आप समझ पाएंगे कि वो कितने कमाल के अभिनेता थे और वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। अब नंबर छः पर हम बात करने वाले हैं रणवीर शौरी की। रणवीर शौरी की एक्टिंग परफॉर्मेंस सब कुछ बहुत ही लाजवाब है, लेकिन हम बात करने वाले हैं उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की, जो है तितली मूवी में। तितली मूवी के अंदर उनकी परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब है कि आप अगर देखेंगे तो आप मान जाएंगे कि वो कितने कमाल के अभिनेता हैं, लेकिन कभी भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं विजय वर्मा की। विजय वर्मा की परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है गली बॉय के अंदर। वैसे तो वो बहुत ही उम्दा एक्टर है, लेकिन असली जो पहचान उन्हें मिली है वो गली बॉय से मिली है। और गली बॉय के अंदर उनका काम इतना कमाल का था कि यार क्या ही बात की जाए। और उसके बाद उनकी किस्मत का सितारा भी चमक गया। अब बात नंबर आठ पर हम बात करते हैं शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर के फादर जो कि पंकज कपूर साबिक बहुत ही बेहतरीन लेजेंडरी अभिनेता हैं, उनकी हर एक परफॉर्मेंस बेहद ही लाजवाब होती है, लेकिन कुछ एक परफॉर्मेंस ऐसी हैं जो शाहिद कपूर की भी बेहद ही कमाल की है, और वो है कमीने मूवी। कमीने मूवी के अंदर जो शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस है वो बेहद ही कमाल की है, जब आप देखेंगे तो ये बात समझ चुकेंगे। वैसे आपको बता दें कमीने मूवी कुछ खास बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन नहीं कर पाई थी और ज़्यादा चली भी नहीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो सच में बेहद कमाल की थी। और नंबर दो पर आती है मूवी हैदर। हैदर मूवी की परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं एक शब्द में कहूं तो मुझे लगता है कि शाहिद कपूर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। उस परफॉर्मेंस के आगे ना पीछे कोई भी मूवी नहीं लगती है। सच में बेहद ही लाजवाब काम किया गया है और ये मूवी भी बेहद ही शानदार है। अब नंबर नौ पर बारी आती है विकी कौशल की। विकी कौशल की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आज तक की मुझे एक ही लगती है, वो है मसान मूवी की। ये उनकी पहली मूवी थी और उस पहली मूवी में उन्होंने जो काम किया वो आज तक उनकी किसी भी मूवी में शायद नहीं कर पाए, लेकिन वो जो काम था वो आपका दिल जीत लेगा। ये मूवी भी बेस्ट है, उनका काम भी बेस्ट है, और आप लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 10 पर आती है बारी राजकुमार राव की। राजकुमार राव एक बेहद ही शानदार अभिनेता है जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी कमाल की छाप छोड़ी है, लेकिन उनकी कुछ एक परफॉर्मेंस ऐसी है जो सच में किसी भी चीज़ के आगे आप नहीं रख सकते। मतलब हर एक अभिनेता इनके सामने फेल होता हुआ दिखता है। अगर बात करें नई जनरेशन के एक्टर्स की तो उसमें सबसे पहले इनकी परफॉर्मेंस आती है ओमेर्टा की। ओमेर्टा उनकी वो मूवी है जिसके अंदर उन्होंने किरदार निभाया एक आतंकवादी का जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस किरदार को जिस बखूबी जिस शिद्दत के साथ इन्होंने निभाया है उसकी बात ही क्या की जाए। इस किरदार के लिए इन्हें इंडिया के बाहर बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन इंडिया में कोई अवार्ड नहीं मिला। खैर इंडिया की बात ही क्या की जाए। नंबर दो पर आती है इनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ओमेर्टा के बाद, वो आती है न्यूटन। न्यूटन मूवी के अंदर इनका जो किरदार था न्यूटन का वो सच में कमाल का था। मतलब इन्होंने शिद्दत मेहनत और असर से अपनी जो कला में पारंगतता पाई है वो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कितनी मेहनत करता है एक आदमी और अपने किरदार को जीता है, वो काम इन्होंने किया है और वो न्यूटन के अंदर आपको साफ देखने को मिलेगा। और वैसे भी न्यूटन भी काफ़ी शानदार मूवी है, तो वो भी आप आँख बंद करके जरूर देखने चाहिए। मतलब आग बंद करते मच्छा। पर 11 पर ही हमारे पास एक बेस्ट परफॉर्मेंस जो आज तक छुपे रहे हैं, जिनकी ज़्यादा तारीफ भी नहीं हुई, ज़्यादा बातें भी नहीं हुई, लेकिन हाँ उन्होंने मेहनत कमाल की है और अब वो एक सितारे की तरह चमक रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं विनीत कुमार सिंह की। विनीत कुमार सिंह की बहुत सारी परफॉर्मेंस लाजवाब है। अगर आपको याद हो तो उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के अंदर भी काम किया था, चैनकुली की मैनकुली मूवी में भी एक छोटा सा किरदार किया था, लेकिन इन्हें असली पहचान मिली मुक्केबाज से। मुक्केबाज मूवी के अंदर इन्होंने जो काम किया है उसकी बात ही देखी जाए। इन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था उस किरदार के लिए और सच में उस किरदार में वो सब दिखता है। इन्होंने उस किरदार को किया ही नहीं, जिया भी है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 11 बेस्ट एक्टर्स और उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आपको कौन सी पसंद आती है फिल्म, कौन सी परफॉर्मेंस, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ये बिल्कुल ना भूले। और हाँ, कमेंट करते रहो यार, लाइक करते रहो। वैसे भी तुम्हारा भाई बहुत मेहनत कर रहा है, रात की 2-2 बजे रिकॉर्ड कर रहा है, तो यार कम से कम एक लाइक तो ठोक ही दो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड goodbye.